ये जो बीचों बीच विचित्र बालों वाला आदमी बैठा, तू खड़ा तो हो जा न कटा, कहते तो वाह देखो तो जो कैसे बाल हैं इसके आगे के लगे के। कैमरा तो करिए ही के बारन पे, दुनिया का विचित्र बालों का आदमी, आहा हा थोड़ा पीछे मुड़, गिरगिट जैसा लग रहा है, आहा हा हा हा, वाह वाह वाह, कौन से लोक से आए हो आप, एलियन तो नहीं हो, आ जाओ, आहा हा हा, तुम्हारे बालों को छूने का मन कर रहा है, क्या जुल्फें हैं तुम्हारी, बीच बीच में हेलीपैड नजर आ रहा है, हैं? तुमको हमने एक बार और देखा है माय डियर, बैठा रहो इनके ऊपर कैमरा लगाए रखो, एक मिनट कैमरा लगाए रखो, पीछे से इनको फोकस करो, आहा नाखून बिल्कुल त्रिजटा जैसे है, अद्भुत है, असली है, हाँ असली है, असली है, असली आप पहचान, नहीं 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 असली है, नो नकली। अच्छा जी त्रिजटा जैसे नाखून क्यों रखे तुम, नाखून बेच दिए, नाखून बिचत है, मैंने 3 बार भेज दिया गुरु जी, बालाजी सरकार की जी, शर्मा जी की, मेरा साय नहीं चली कि मेरा साय पूरा हो गया गुरु जी के बात से, जय श्री राम। कहां से आए हो, हम गोवा से आए सर, गोवा गोवा पंजी से जी, मैंने सिर्फ 4 दिन फेसबुक में आपका वीडियो देखा था, 5वां दिन मैंने गाड़ी पकड़ ली, आया था 8 दिन रुका था, फिर आपसे दर्शन हुई लेकिन बात नहीं हुई, मैं चला गया, फिर मैंने गाड़ी पकड़ी 11 तारीख को, 13 तारीख पहुंचा, आपसे बात हुई, यहाँ पर दर्शन किया मैंने आपको, आशा लगाई थी बालाजी ने सुन ली मेरी पुकार, बहुत मेरी टेंशन थी, मेरी सरकार पूरा हो गई, जय श्री राम। चलो पढ़े लिखे हो, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या अर्जी है आपकी, मेरी अर्जी थी गुरुजी की, मेरा जो बिजनेस चलता है वो बंद हो गया है, जो टूरिस्ट के बिजनेस है मेरा गोवा में, टूरिस्ट जो बाहर से घूमने आते हैं, प्लस मैंने फिल्म शूटिंग में काम करता हूँ मूवी में, अभी तत्काल में 2 महीने पहले शूटिंग किया था, मराठी मूवी, कन्नड़ मूवी, हिंदी मूवी, तेलुगु मूवी, मूवी में काम करते जी, तो वो भी काम अभी बंद हो गया हमारी। सेकेंड थिंग, मैंने पूरा गोवा में वाईफाई लगाता हूँ, वाईफाई इंटरनेट लगाता हूँ, वो भी अभी बहुत कम चल रही है। और दूसरी बात, मैं किसी कारण पर मैंने कुछ गलत किया कि मेरे 12-13 लाख रुपए का लॉस हो गई, लॉस हो गया 12-13 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया, इसके लिए समय आपको दरबार में आया हूँ। टोटल 5 बातें लिखी, सब पढ़ते जाइए, सफल नहीं हो पा रहे, व्यापार लगातार टूट रहा है, नेट का काम व फिल्मों में काम करते हैं जिसमें अच्छा रोल प्राप्त नहीं हो पा रहा, नेट का काम तेज चलेगा, इग्नोर किया जाता, हनुमान जी की भक्ति दृढ़ता के साथ करना चाहते, बीच बीच में स्त्री चरित्र से बहक जाते हैं, एक बार बहुत ज्यादा फंस भी गए थे ब्लैकमेलिंग में, जिस कारण से आपको आर्थिक घाटा भी हो गया है, आगे लुगिया चरित्र में मत पड़ना, लंगोटा ढीला मत रखना, सफल होंगे, व्यापार चलेगा, आशीर्वाद। जय श्री राम। और आपसे गुरु जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपका और सन्यासी बाबा का और हनुमान जी का इधर मैं फोटो बनाना चाहता हूँ, अरे वाह वाह, आपका तस्वीर, सन्यासी बाबा का तस्वीर और हनुमान जी का तस्वीर मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ गुरु जी, क्या बना सकता हूँ? बिल्कुल जी, मैं अभी जाऊंगा गोवा और बना के आके आपके पास आऊंगा मिलने के लिए। हमें कवच देना है जी, हम कवच देंगे, बहुत लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, गंदे आरोप लगा रहे हैं। जी जी सही बात है गुरु जी, साधु जी सीताराम, एक मंत्र में लिखा जी। 2 बातें और माइक रख दो जो तुम्हारे ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो।
समझ गए? खुशीरा कर जा, नहीं नहीं अभी नहीं, अगली बार प्रणाम कर। ना मांस मच्छी खाने वाला आदमी हूँ, गोवा में मैं मच्छी के खाना नहीं खाता हूँ, बे चिकन के खाना नहीं खाता हूँ, बे अंडे खाने खाता हूँ, लेकिन जब से आपको वीडियो देखा हूँ मांस का मछली का अंडे का कुछ का मेरा नाम नहीं है, सिर्फ साधारण सीधा हो गया हूँ गुरु जी। बस बड़ी कृपा, ऐसी कृपा बनी रहे, अब सात्विक ही बने रहना है, है? गोवा में आइए, आपको जितना भी मेरा सेवा के मैं आपको करूंगा। मैं नहीं आऊं ऐसे उपद्रव वाले देश। नहीं सर, गोवा बहुत सुंदर जगह है, आपको जहाँ रहना घुमाना पड़े सब मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आएंगे पक्का। जय श्री राम। जय श्री राम। खुश रहो। सीताराम साधु जी, हाँ यहाँ बैठा।